दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। मैं सौरभ शुक्ला आपको देता हूं हर दिन कुछ ऐसे वीडियो जो आपकी लाइफ में आपको मदद करते हैं ग्रो करने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आप सबसे डायरेक्टली रिलेटेड है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है जिसे कभी ना कभी गुस्सा ना आता हो। हर इंसान को कभी ना कभी गुस्सा आता ही है। इस दुनिया के अंदर गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। हर इंसान कभी ना कभी उसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है जिस वजह से वो रिएक्ट करता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, एंगर है क्या, गुस्सा है क्या। ये डिससेटिस्फेक्शन, जब आप कभी डिससेटिस्फाइड होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं या नाखुश होते हैं, जब आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हैं, सिचुएशन को पसंद नहीं करते हैं, और आप जब किसी भी चीज को, अपनी किसी विश को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं, यदि आप किसी एक ऐसे इंसान से बात करना पड़ रहा है जिससे आप बात ही नहीं करना चाहते हो, तो फिर जो माइंड रिएक्ट करता है, जो स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस, जो सैडनेस प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से हमारे दिमाग में गुस्सा आता है, एंगर आता है। हम किन बातों से नाखुश होते हैं? कई बार कोई आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मानता, कई बार बच्चे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप वो बातें सुन लेते हैं जो आप नहीं सुनना चाहते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में कोई चीज़ खत्म हो गई तो गुस्सा आ गया जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कई बार आप स्टेशन के लिए निकले लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, ट्रेन छूट गई, गुस्सा आ गया। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में गुस्सा आने लगता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं सिचुएशन को कई जगह, लेकिन हाँ, अपने रिएक्शन को जरूर बदल सकते हैं। आपके बस में सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपके बस में रिएक्शन जरूर है। दुनिया का सबसे निगेटिव रिएक्शन एंगर है। यस माय डियर फ्रेंड, आज के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना एटीट्यूड बदलना है, अपना रिएक्शन बदलना है, और यकीन मानिए आप धीरे धीरे इससे ओवरकम कर लेंगे, लेकिन आपको इसके लिए अपने अंदर काम करना पड़ेगा। मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूं जिस वजह से आप गुस्से से बाहर निकल सकते हैं। पहली चीज, जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करें या फिर आपको मजा ना रहा हो, इरिटेशन हो रहा है, उस काम को करना तुरंत बंद कर दें, बल्कि आप विजुअलाइज करना शुरू कर दें कि अपने उन पलों को जिस पल के अंदर आप बहुत ज़्यादा खुश थे। अपने पास्ट में जाना शुरू कर दीजिए, पास्ट की बातों को याद करिए, वो पास्ट की बातें आपको मोटिवेट करेंगी, वो पास्ट की बातें आपके चेहरे में फिर से खुशियाँ लाएंगी, लेकिन उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, लंबी सांस लीजिए। जब भी गुस्सा आए ना, तुरंत रिएक्ट मत करिए, जब भी कोई दिमाग खराब हो जाए ना, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करिए, आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, कभी भी जब आप गुस्सा हैं तो रिएक्ट ना करें तुरंत, बल्कि आप रिएक्शन का टाइम बढ़ाएं। आप काउंटिंग करिए 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब आप तुरंत रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन का टाइम बढ़ जाएगा, तब आप कम से कम ये तो सोच लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट थिंग, आप खाली समय में बैठकर ये सोचें कि यदि मैं गुस्सा होता हूं या गुस्से की वजह से मैं क्या खो सकता हूं, और जिंदगी में मैंने गुस्से की वजह से क्या क्या खोया है, क्योंकि गुस्से की वजह से कई लोग अपना करियर खो देते हैं, कई बार रिलेशन खो देते हैं। तो इस पर एनालाइज जरूर करिए कि यदि मैं गुस्सा रहूंगा तो मैं क्या खोने वाला हूं। नेक्स्ट थिंग, पानी पीजिए, ड्रिंक सम वाटर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कहते हैं ना जब गाड़ी बहुत गर्म होने लगती है तो उसमें पानी डाला जाता है, हमारे इंसान की भी गाड़ी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, और जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे तो थोड़ा सा आपको ठंडक तो ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट थिंग, गुस्से को अवॉइड करने की सबसे महत्वपूर्ण दवा है पेशेंस। जितना ज़्यादा आप धैर्यवान रहेंगे, आप गुस्से से उतना ही ज़्यादा दूर रहेंगे। पेशेंस की प्रैक्टिस करिए, पेशेंस में मास्टरी हासिल करिए। नेक्स्ट थिंग, इमोशनल डिटैचमेंट। यस माय डियर फ्रेंड, आप यदि किसी भी चीज से इमोशनली डिटैच हो जाएंगे तो आपके जीवन में परिस्थितियों का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब आपके जीवन में कुछ बुरा घटित हो रहा हो, तब उस वक्त के अंदर आपका इमोशनल कनेक्शन वहाँ से हटा लेना चाहिए। आप इमोशनली जब चीज़ों से या किसी स्थान से या किसी इंसान से डिटैच हो जाएंगे तो फिर बातों का फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिस करिए पीस ऑफ माइंड की। अपने दिमाग को शांत कैसे रखें, इसकी आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है पीस ऑफ माइंड, इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन इन 8 बातों को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करिए और गुस्से से दूर हो जाइए और जीवन के अंदर खुशियाँ ले आइए। यही शुभकामनाएं देते हुए सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।